सीधा साधा डाकिया जादू करे कमाल, एक ही बस्ते में रखे सुख दुख की खान। जी हाँ, आज भले ही हम अपनी आधुनिकता के आगे उस सीधे साधे व्यक्ति को भूल गए हैं, लेकिन भारत में विज्ञापन के क्षेत्र में पहला ब्रांड एम्बेसडर होने का गौरव केवल डाकिया को ही प्राप्त है। डाक विभाग का राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में भी योगदान रहा है। जो भावना हमारे मन में होती है, उन्हीं को शब्दों के रूप में हम चिट्ठी में सजाते हैं, जिसे डाकिया बड़े प्रेम के भाव से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। पहले खाकी कपड़े देख ही के दिल में लगता था, पूछा जाता था, भैया हमारे यहाँ से खत आया है, मेरा खत आया। वो लोग जाना करते थे कि इनका खत ये है, इस घर का ये खत है, उस घर का वो खत है। उस वक्त डाकियों की भी इज्जत हम लोग करते थे, उन लोगों के बंधे हुए थे कि भैया खत लाओगे तो तुमको चाय पानी कराएंगे। एटमॉस्फियर है उसके अनुसार सारे लोग चेंज कर रहे हैं, और पोस्ट ऑफिस में सारी चीजें डिजिटाइज हुई हैं, चाहे वो रूरल के पोस्ट ऑफिस हों चाहे शहर के पोस्ट ऑफिस हों, सारी चीजें ऑनलाइन हुई हैं। और बहुत सी नई सर्विसेज इससे जुड़ी हुई हैं, जैसे पासपोर्ट भी यहाँ से बन रहे हैं, आधार कार्ड का अपडेशन भी हो रहा है, नए एनरोलमेंट भी हो रहे हैं, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भी जो है यहाँ से कर रही है, और दूसरे भी तमाम लोगों के जो ऑनलाइन जो है सर्विसेज हैं उनके डाक इधर से उधर पहुंचाने का भेजने का जो है कि उनके वो जो उनको जो एक्टिविटी उनको करनी पड़ती थी वो एक्टिविटी हम करके जो है उनके डेस्टिनेशन को पहुंचवा देते हैं।